हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, ट्रेड आइडिया के तहत ये एपिसोड नंबर है 127। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम प्राइस एक्शन पर एनालिसिस करेंगे मारुति के प्राइस चार्ट पर। दोस्तों ये एनालिसिस परफॉर्म की जा रही है 16 जुलाई 2019 को, जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद में ये एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। दोस्तों मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन प्राइस चार्ट पे किए हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं, और कि क्या इसमें मारुति में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, क्या हम राइट वैल्यूएशन पे एंट्री कर रहे हैं, और क्या इसे एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हम लॉन्ग टर्म पे या ट्रेडिंग के एंगल से देखें तो एक पोजिशनल ट्रेड पर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच होगा टोटल एनालिसिस का, और रीसेंट प्राइस एक्शन को जानकर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या संभवतः इसमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य नहीं पूरा होगा, आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को एनेबल करना होगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम एनालिसिस की शुरुआत करें इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें। सो दोस्तों चलिए हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये मारुति सुजुकी इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है, और हम दोस्तों देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम में मारुति का एक डीपर करेक्शन हुआ है और ये करेक्टिव वेव्स हम क्लियरली देख सकते हैं। यस, अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो अभी भी ये बुल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, जो वेरी क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्राइस एनालिसिस को देखें तो ये रीसेंट करेक्शन जो हुआ है वो ईएमए 55 पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो रिस्पेक्ट हो रही है अगस्त 2013 से, यहां पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, और यहां पर इस कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशन हो रही है करंट मंथ की, दैट इज जुलाई 2019 की, ऑल दो ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है बट इसकी शेडो इंडिकेट कर रही है कि प्रोबेबली ये यहां सपोर्ट ले रहा है। अगर हम इस मेजर इंपल्सिव वेव की बात करें जो इसमें फॉर्म हुई थी ड्यूरिंग मार्च 2016 से लेकर, और ये कंटिन्यूसली एक राइज हुआ था इसमें दिसंबर 2017 तक, इस इंपल्सिव वेव की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे ये सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। तो यहां पे तीन कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है दोस्तों। नंबर वन कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है
EMA 55, नंबर टू ये ट्रेंड लाइन जिसे अभी हमने डिस्कस किया, एंड थर्ड इज रिट्रेसमेंट लेवल ऑन फिबोनाची 61.8%, विच इज अ गोल्डन रेशियो. नाउ इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो ये कैंडल देखिए जो एक मेजर करेक्शन हुआ था इसके पहले, वो हुआ था नवंबर 2016 में. और ये कैंडलस्टिक का अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बाद यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है इस पर्टिकुलर करेक्शन के बाद. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इसने फरवरी महीने 2017 में एंड मार्च 2017 में. एंड फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो हुआ वो हुआ अप्रैल 2017 में. तो दोस्तों ये सेम रेजिस्टेंस लाइन नाउ सपोर्ट की तरह यहां एक्ट कर रही है. तो ये फोर्थ कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जहां तक मंथली टाइम फ्रेम का सवाल है. तो चलिए दोस्तों अब हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं. तो दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम है. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा छोटा करके देखें तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में ड्रॉ की थी, यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट नंबर वन, सपोर्ट नंबर टू, थ्री एंड फोर्थ. इस जगह पे वंस अगेन ये रिस्पेक्ट कर रही है. और यहाँ से आप देखें तो इस वीक की कैंडल, अगेन मैं बोल रहा हूँ इस वीक की कैंडल अभी समाप्त नहीं हुई है क्योंकि ये वीक अभी चल रहा है. तो इस वीक की कैंडल को देखें तो इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रही है. नाउ आप यहां पे देख सकते हैं रीसेंट फॉल के बाद में ये जो लास्ट कैंडल बनी ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है. और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम है जो मुझे काइंड ऑफ एग्जॉशन नजर आ रहा है डाउन साइड में. नाउ डाउन साइड मोमेंटम अगर यहां खत्म हो रहा है, ये कैंडल एक बुलिश फॉर्मेशन बना रही है और कई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट जो हमने डिस्कस किए उसके पास से, तो एक पॉसिबल रिवर्सल नजर आ रहा है. नाउ अगर हम इसे मोमेंटम इंडिकेटर पर नजर दौड़ाए तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो प्राइस ने यहां से लेकर यहां तक लो बनाया है. आई कैन ड्रॉ सो दैट क्लैरिटी आ सके. ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये लो कैंडल ने बताया है और इस पर्टिकुलर लाइन में कोई भी दूसरी कैंडल स्टिक बीच में इंटरवीन नहीं कर रही है. सो दोस्तों यहां पर लो बनाया है. बट अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर दैट इज RSI पे अगर बात करें तो इस जगह से हम देख सकते हैं कि मोमेंटम में ड्रॉप नहीं हुआ है, प्राइस में ड्रॉप हुआ है. तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस और या पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम बोल सकते हैं जो प्रोमिनेंटली विजिबल है इस चार्ट के ऊपर में. इसके अलावा अगर हम स्टॉकेस्टिक की बात करें तो दोस्तों ओवरसोल्ड एरिया में ऑलरेडी है. तो प्राइस ओवरसोल्ड है, बुलिश डाइवर्जेंस है, चार कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट मिल रहे हैं 61.8%. ये सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था और इसके बाद यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट. सो दोस्तों ये कई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट इस दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रोबेबली ये स्टॉक रेडी है अप मूव के लिए. अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन को. अब यहां पर हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं दोस्तों. मैं कोई भी ड्राइंग को चेंज नहीं कर रहा हूं जो हमने लार्जर टाइम फ्रेम में ड्रॉ की थी. तो अगर इसको हम चार्ट को बहुत छोटा कर लेते हैं तो हम यहां देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया था और इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने यहां पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद वंस अगेन इसी पॉइंट पर ये सपोर्ट लेके रिवर्सल सिग्नल दिखा रहा है दोस्तों. अब इसको हम एनलार्ज करते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने के लिए. तो दोस्तों इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूं ताकि हम रीसेंट प्राइस एक्शन को
और साइकोलॉजी को समझ सके जो मार्केट में एक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ डीपर देखते हैं दोस्तों, तो ये एक फॉल हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई कैंडल की, सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम, अनदर एक कैंडल बना एंड देन ये कैंडल गैप डाउन होने के बाद एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन करती है और इसके बाद में ये कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है और ये एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन नजर आता है एंड इसके बाद में ये कैंडल यहाँ कंसोलिडेट करती है 12 जुलाई को एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन एंड दिस इज अगेन आज की कैंडल कंफर्म कर रही है उस दिशा में कि प्रॉबली इसमें रिवर्सल हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करें रिवर्सल की इस पोजीशन से, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कि इस जगह से प्राइस ने लो बनाया और यहाँ पर दिस इज लोअर देन दिस लो एंड यहाँ पर हम मोमेंटम इंडिकेटर में देख सकते हैं वंस अगेन द बुलिश डाइवर्जेंस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। नाउ ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं है, हम मेजर कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट से लार्जर टाइम फ्रेम से डाउन साइड में आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डाउन साइड इस स्टॉक में नजर नहीं आता है एंड वही एरिया होता है जो वैल्यू एरिया बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जहां पर कि एक पोजीशन ली जा सकती है इस स्टॉक में और इसका इस केस में जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह पिछला स्विंग लो देखें, तो पिछला स्विंग लो है 5900 का दोस्तों, तो 5900 से अगर हम 1 ATR नीचे अपना अगर स्टॉप लॉस रखें और उसको एक पोजिशनल ट्रेड की तरह लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में देखें, तो दोस्तों इसमें एक मेजर कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट से रिवर्सल नजर आ रहा है जो संभावना दिखाते हैं कि ये प्राइस ऊपर जा सकती है। तो इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको शो करना चाहता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है आपको मैं शेयर करता हूं कि दोस्तों एक टिपिकल बिहेवियर इसमें हम देख सकते हैं। चलिए मैं एक फॉलिंग चैनल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। आप देखिए प्राइस एक पर्टिकुलर ये इस चैनल को इसने रिस्पेक्ट किया और अगर हम इसे एक्सटेंड अपसाइड में करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस वर्चुअली अक्टूबर 2018 से इस नैरो रेंज में, ऑफ कोर्स ये फॉलिंग चैनल है, यहां से प्राइस अपर फाइबर को टच किया, लोअर फाइबर को सपोर्ट लिया, अपर फाइबर एंड अगेन लोअर फाइबर। तो दोस्तों अगर हम इसको साइक्लिक फिनोमिनन के हिसाब से भी देखें तो इसका अपर फाइबर तक जाना अगर है तो ये 7000 प्लस तक जाने की संभावना तो इस पैटर्न के हिसाब से नजर आ रही है और आज के डेट में जो आज की क्लोजिंग है 6158 है। तो अगर हम ये मान के चले कि चलिए हम नंबर ऑफ कैंडल को मेजर करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक के फॉल में इसने कितना वक्त लिया है, तो उसे नेक्स्ट 53 बार्स, तो अगर 53 बार्स में यहाँ से ये आगे जाता है तो समवेयर ये 7100 के आसपास में तो इसको टेस्ट करना चाहिए, जो करीब इस जगह पे आएगा। और अगर इस चैनल का ब्रेक साइड अपसाइड में होगा, दैट इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन पोजिशनल ट्रेड, बिकॉज एक ये मेजर कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट से इसका रिवर्सल नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये मुझे ऑब्जर्वेशन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता था। सो दोस्तों यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनालाइज डाइसेक्ट एंड सी दी पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये एनालिसिस ये प्रेजेंटेशन अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड जानकार लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा सोशल मीडिया पे, ताकि वो भी इस परिवार का हिस्सा बनके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस एनालिसिस का, इस लर्निंग प्रोग्राम का लाभ उठा सके, फायदा उठा सके।
एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा सारे नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इस चैनल पे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए।